अलैकुम, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अब की जो वीडियो है, अब हमने देखने के बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट या रिपोर्ट जो होती है वो क्या होती है, क्यों होती है और हम कैसे बनाते हैं। तो स्टार्टिंग में हम लोग देख लेते हैं कि ये होती हम लोग मतलब यूज़ क्यों करते हैं। ये बेसिकली हम मैच करते हैं ट्रांजेक्शन्स को बिटवीन द बैंक एंड द कैश लेजर, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें अगर कोई थेफ्ट हुआ है या नहीं, कोई चोरी हुई है, कुछ मिसमैच हो गया है या नहीं। हम लोगों के पास बैंक स्टेटमेंट्स जो है वो बैंक की तरफ से आती होती हैं। बैंक के अंदर हम लोग जितना भी डेबिट करते हैं, क्रेडिट करते हैं, कोई भी चार्जेस वगैरह होते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आती हैं। कैश लेजर्स के अंदर जो हमारी कंपनी के सेल्स वगैरह होती हैं या हम लोग एडिशन प्रोडक्ट्स वगैरह जिस तरह भी हैं वो हम लोगों ने बनाने देखे हुए हैं, तो उन सारी स्टेटमेंट्स का जो है यहाँ पर आता है। तो फिर हम इन दोनों को टोटल करते होते इन दोनों को मैच करते होते हैं कि क्या दोनों मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर ये मैच कर रहे हैं तो ठीक है, हमारा जो जितना भी हिसाब किताब है वो सारा सही है। अदरवाइज़ कहीं ना कहीं हमारे पास जो है वो चोरी हुई होती है या ह्यूमन एरर होता है या कोई हम लोग ट्रांजेक्शन जो है वो ऐड करना भूल गए हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं। इसको हम लोग देखने के पहले मतलब जो भी चीज़ें हैं उससे पहले हमारे पास एक हमारे पास प्रिंसिपल है, कॉस्ट बेनिफिट प्रिंसिपल। अब जो कॉस्ट बेनिफिट प्रिंसिपल है वो ये बेसिकली स्टेट करता है कि हमारे पास जितनी भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन दी गई है स्टेटमेंट के अंदर, उसके जो भी बेनिफिट हैं वो उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए कि जो हम लोग यूज़र को बता रहे हैं। यानी ये ना हो कि हम लोग मतलब कोई मिसमैच कर रहे हैं, कोई गलत बता रहे हैं इन्फॉर्मेशन, वो सारी चीज़ें। इसका मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी एक डिस्क्रिप्शन में, जिसमें यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल में बात की गई है, वो आप लोग पढ़ लीजिएगा खुद ही। तो अभी हम लोग वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। तो बेसिक प्रिंसिपल ये होता है कि इसकी दो साइड्स होती हैं। अब दो साइड्स जो होती हैं वो कुछ इस तरह की होती हैं कि एक हमारे पास होती है बैंक साइड और एक होती है हमारे पास जो होती है कंपनी साइड, यानी कैश लेजर। बैंक साइड के अंदर जो होता है हमारे पास जो है दो चीज़ें बेसिकली होती हैं हमारे पास मेन पॉइंट्स, वो होता है डेबिट मेमोरेंडम और एक होता है क्रेडिट मेमोरेंडम। जो डेबिट मेमोरेंडम होता है उसके अंदर होता है कि हम लोगों ने एटीएम चार्जेस या कोई भी अदर डिडक्शन वगैरह है ये हम लोग सारे के सारे लेस करते होते हैं, यानी कि माइनस करते होते हैं। जो हमारे पास क्रेडिट मेमोरेंडम है, कोई इंटरेस्ट वगैरह आ गया, कोई डिपॉजिट वगैरह करना है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये हम लोग जो है यहाँ पे क्रेडिट मेमोरेंडम में लिखते होते हैं। और ये होती है बैंक की साइड। अब दूसरी साइड होती है वो होती है हमारी कंपनी की साइड, या हम लोग कह रहे हैं कि कैश लेजर। जो कैश लेजर साइड होती है उसके अंदर हमारे पास होती है तीन चीज़ें, एक होता है डिपॉजिट इन ट्रांजिट, और एक होता है आउटस्टैंडिंग चेक, और एक होता है ह्यूमन एरर। अब डिपॉजिट इन ट्रांजिट ये होता है कि हम लोगों ने चेक दे तो दिया है कैश होने के लिए, यानी कि हम लोगों ने डिपॉजिट कर दिया लेकिन वो अभी तक हुआ नहीं, क्योंकि बैंक को भी कुछ चीज़ें चाहिए, मतलब थोड़ा टाइम चाहिए होता है प्रोसेस करने में वो सारी चीज़ों के लिए। और दूसरा होता है आउटस्टैंडिंग चेक, चेक हमने उसे किसी बंदे को दे दिया, उसने अभी तक बैंक से निकलवाए नहीं है और वो पैसे हमें शो हो रहे हैं एज अ बैंक में, तो हम उन्हें आउटस्टैंडिंग चेक्स कहते होते हैं। ठीक है, जो डिपॉजिट इन ट्रांजिट होते हैं वो हम लोगों ने ऐड करने होते हैं कंपनी साइड पे भी और बैंक साइड पे भी। सेम एज हम लोगों ने जो आउटस्टैंडिंग चेक्स होते हैं उन्हें लेस करना होता है, यानी सब्ट्रैक्ट करना होता है, बहुत कंपनी साइड पे भी और बैंक साइड पे भी। ह्यूमन एरर्स जो होते हैं वो हमारी टाइपिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं या कुछ इस तरह की मिस्टेक्स होती हैं। ह्यूमन एरर को हम लोग मोस्टली जो है वो बैंक साइड पे लिखते होते हैं, कंपनी के साइड पे नहीं लिखते होते। तो ये हमारा कुछ उसका बेसिक हम लोग कह रहे हैं कि फॉर्मेट है कि स्टार्टिंग में हमने जो है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट की हमने उसकी हेडिंग देनी होती है, ये बताना होता है कि हम लोग कौन से स्टेटमेंट क्रिएट कर रहे हैं। और ये नॉर्मली हम लोग हर एक में ही करते होते हैं, क्योंकि हम लोगों का जो जितनी भी स्टेटमेंट हमने पीछे देखी है उन सब में ये काम होता है। उसके बाद हम कॉर्पोरेशन का नाम लिखते होते हैं और उसके बाद हम लोग ईयर बताते होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो होता है हम लोग कुछ इस तरह का फॉर्मेट है, इसके अंदर हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे। हमें स्टेटमेंट्स दी गई होंगी कुछ इस तरह की, जैसे लिखा हुआ बैंक बैलेंस एट बैंक स्टेटमेंट इज 10,500, बैलेंस ऑन कैश लेजर इज, ये मैं एक पेज पर लिख लेती हूँ ताकि हम ईजी रहे, हम लोग साथ साथ ही सॉल्व करना शुरू कर दें। तो अभी मैंने ये क्वेश्चन साइड पे लिख लिया ताकि हम इजी रहें। तो सबसे पहले जो है स्टेटमेंट हम लोग उसको देख लेते हैं कि हम लोगों ने बैंक स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास बैंक साइड का बैलेंस बताया गया है वो जो है 10,500, हमें ये लिखना है। जब हमने ये चीज़ लिखनी है ना तो हम लोगों ने ये लिखनी है इस साइड पर। ये हमारी कंपनी के साइड की चीज़ें थी जो मैंने आपको डिपॉजिट इन ट्रांजिट एंड आउटस्टैंडिंग चेक्स बताए थे, उसके ऊपर आप लोगों ने लिखना है बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, और ये है 10,500 हमारा। अब इसी तरह ये जो हमारे पास दूसरा कैश लेजर का दिया गया है तो हम लोगों ने वो इस तरफ लिखना है बैलेंस एज पर कैश लेजर, और यहाँ पर हम लोगों ने उसकी प्राइस लिख देनी है। ठीक है, ये साथ में मैं ये जो ओके सो अब हमने क्या करना है, अब हमने आगे अपनी
चेक कर लेते हैं हमारे पास क्या क्या स्टेटमेंट्स हैं। पहली दो स्टेटमेंट्स हमारी हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि बैंक चार्ज 500 पर कॉस्ट पर प्रोसेस, यानी कि 500 चार्ज किया उन्होंने पर प्रोसेस के ऊपर, ठीक है। तो ये हम लोग बेसिकली कहेंगे कि हमारा ये जितने भी है वो चार्जेज हैं, सर्विसेज हैं। अब बैंक ने चार्ज किया तो इसलिए हम लोग डेबिट मेमोरेंडम में लिखेंगे, जितने भी हमारे बैंक के जितने भी सर्विसेज के चार्जेस होंगे वो सारे हमारे डेबिट मेमोरेंडम में आएंगे। एटीएम हो गया, इस तरह के बैंक चार्जेज हैं, कोई डेबिट कार्ड के हैं या फिर हम लोग कह लें कि चेक बुक के हैं, वो सारे के सारे इस साइड पर आएंगे। तो प्रोसेस कॉस्ट, और हम लोगों ने यहाँ पे उसकी कॉस्ट लिख दी है 500 पर आ गया, ठीक है। अब सेकंड है एटीएम फी इज़ 400 डिडक्टेड फ्रॉम द अकाउंट। अब ये भी हमारा बैंक की साइड पे आएगा, एटीएम है तो जितनी आएगी वो हमने यहाँ पे लिख देनी है, ठीक है। ये हमारे पास आ गई। अब इसके अलावा आप लोगों ने चेक कर लेना कहीं और हमारे पास जो है वो बैंक साइड के चार्जेस या सर्विसेज नहीं दी गई, तो इसको हम लोगों ने यहीं पर जो है टोटल कर देंगे। टोटल हमारा हो जाएगा 900 और हम इसको 9500 में से जो है वो माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हम एक दे लेते हैं रिमेनिंग बैलेंस, और वो जो है ये 900 जो है हमने 9500 से माइनस किया, तो हमारे पास बाकी जो बच गया 8600, ठीक है। ये हमारे पास अब रिमेनिंग बैलेंस है। अब आगे हम लोग अपनी स्टेटमेंट देख लेते हैं। बैंक रिसीव 1000 फ्रॉम द कस्टमर, यानी कि हमें 1000 कस्टमर की तरफ से डिपॉजिट हुआ या हमें रिसीव हुआ है, ठीक है। तो अब बैंक में रिसीव हुआ तो हम लोगों ने ये भी क्रेडिट मेमोरेंडम में करना है। कोई इंटरेस्ट हो, कोई इस तरह की चीज़ हो तो हम लोगों ने क्रेडिट मेमोरेंडम में करनी है, लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर, और हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया 1000, ओके। अब अगेन हमारे पास ये वाली भी हमारे हो गई है, और आगे हमारे पास यहाँ पे कहीं पे भी कोई ऐसी नहीं दी गई जिसमें हम लोग ये कहें कि बैंक में कोई भी पैसे जो है वो रिसीव हुए हैं, कोई इंटरेस्ट वगैरह आया है, तो हम लोग यहाँ पे इसको जो है एडिशन कर देंगे, तो हमारे पास 9600 जो है वो टोटल हो जाएगा। अब अगला है कैश सेंड टू द बैंक 4000 बट नॉट शोन इन द स्टेटमेंट, यानी कि हमने डिपॉजिट कर दिया लेकिन अभी तक वो हमें शो नहीं हुआ। हो सकता है कि हमने पिछले महीने किया हो या इस महीने की फर्स्ट तारीख को किया और हम लोग पिछले महीने की स्टेटमेंट ले रहे हो, कुछ इस तरह का भी प्रोसेस होता है। तो वो जो चीज़ें अभी तक हमें बैंक में शो नहीं हुई लेकिन वो एडिशन हो चुका है, तो हम लोग यहाँ पर डिपॉजिट इन ट्रांजिट में लिखते होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो है कोई भी आप लोग स्टेटमेंट लिख देते हैं, डिपॉजिट लिख दें, कुछ भी लिख दें, डिपॉजिट कितना है 4000, हम लोगों ने 4000 लिख दिया। अब आगे हम लोगों ने यहाँ पे कहीं पे भी और हमें इन 8 स्टेटमेंट्स में कहीं पे भी और डिपॉजिट नहीं हो रहा, तो हम लोग क्या करेंगे, बस इसको एडिशन कर देंगे, जो हमारे पास रिमेनिंग बैलेंस है या एडिशन बैलेंस कह लें जो भी है वो वाला, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 14500, ठीक है। ये हमारे पास हो गया बैलेंस। अब अगला है चेक इशू, वो चेक जो हमने इशू कर दिए लेकिन अभी तक जो है वो बैंक से निकाले नहीं गए, वो पैसे किसी ने अभी तक निकलवाए नहीं। हो सकता है अभी हमने घंटा पहले उसे दिया हो कि भैया आप इशू करवा लेना, या अभी हमें ज़रूरत नहीं पड़ी इसलिए उसने इशू नहीं करवाए, तो वो वाले चेक्स यहाँ पे आएंगे। तो उन चेक्स को लिखने का तरीका ये होता है कि हम लोग यहाँ पे चेक नंबर लिखते हैं, चेक और साथ में उसका नंबर आ गया और जितनी अमाउंट है, पहले की हमारे पास 1000 है, उसके बाद है चेक 701 उसकी अमाउंट है 1100, एंड चेक 825 उसकी अमाउंट है हमारे पास 200, ठीक है। इन सबको एडिशन करो कितना आ जाता है हमारे पास 2300 आ जाएगा टोटल, और उसको इसमें से माइनस कर दो। टोटल में से माइनस करेंगे अगेन रिमेनिंग बैलेंस जो होगा हमारे पास वो यहाँ पे आ जाएगा, और वो हमारे पास है 1200, ठीक है। अब ये जो बैलेंस है ये फ़िलहाल जो है हमारा इक्वल नहीं आ रहा, यहाँ पे हम लोग देखें और इधर देखें तो हमारा बैलेंस इक्वल नहीं है। हमारी एक स्टेटमेंट रहती है, पहले हम उसे कर लें फिर मैं आपको बताती हूँ। ये स्टेटमेंट है कि टेलीफोन का बिल था हमारा 900 लेकिन जो हमें लेजर शो करवा रहा है वो 925 बता रहा है, यानी कि यहाँ पर ह्यूमन एरर आया है और वो हमें ह्यूमन एरर जो है उसे सॉल्व करना है। तो हमने क्या करना है, हम लोगों ने बैंक साइड पर 25 जो है वो ऐड करने हैं, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी जो लेजर साइड है उसमें से मतलब हमारा ऑलरेडी वो काटे जा चुके हैं। तो हम लोग यहाँ पे ह्यूमन एरर लिखेंगे, ह्यूमन एरर, या फिर आप यहाँ पे सिंपल बिल भी लिख सकते हैं साथ में, और जितने पैसे वो एक्स्ट्रा थे वो हमने यहाँ पे एडिशन किए और वो हमने यहाँ पे टोटल कर लेने हैं, 9625 हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। अब जो है ये दोनों अमाउंट जो हैं वो सेम नहीं आ रही हैं, तो इसका मतलब है कि कोई ऐसी एंट्री है
जो हम लोगों की मिसिंग है, या फिर कुछ ऐसा है, कोई बात है जो मतलब चोरी हुई है या कुछ हुआ है, तो वो हमें इस तरह पता लग जाता है। अगर ये दोनों सेम आ जाती तो हम कहते हैं कि हाँ भाई हमारी जो स्टेटमेंट्स हैं वो सारी के सारी सही हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जिस तरह पेपर्स आते हैं या हम लोग एग्ज़ाम्स में होते हैं, कई बार टीचर्स जो है क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं देता, तो हो सकता है कि ये दोनों वैल्यूज़ जो है वो इक्वल ना भी आएँ। तब भी आपने टेंशन नहीं लेनी है, तो एज इट इज़ आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। बस इसको ख्याल रखना है कि आपने बैंक वाली साइड पे डिपॉजिट वाली ये दोनों और आउटस्टैंडिंग चेक वाला लिखना है, और यहाँ पे जहाँ पे कैश लेजर लिखा होगा वहाँ पे आपने डेबिट मेमोरेंडम, क्रेडिट मेमोरेंडम और ह्यूमन एरर इनको ऐड करना है। तो आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी सबकी। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।